उन्होंने उसमें लिखा था कि somebody like him being appointed Chief Justice of Pakistan's largest province is a miracle. So that miracle did happen. ये जो मैं आपको बता रहा था 2013 में खास तौर पे, उससे पहले भी होता रहा है. मेरी obviously my experience is limited. I've only fought 5 elections. लेकिन उस इलेक्शन के अंदर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, उन्होंने सवालात जो करने शुरू हुए, यही ना कैरेक्टर देखना है कि नहीं देखना है, वो घरों में चले गए. एंड एट दैट टाइम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैड पास्ड एन ऑर्डर के आरओज इंक्लूसिव क्वेश्चंस नहीं कर सकते, वो रैंडम क्वेश्चंस नहीं कर सकते स्क्रूटनी के दौरान. और उससे फर्क पड़ा, 2018 वॉज अ लिटिल बेटर. खैर, ये तो हो गया पहला हमारा स्टेप. अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 76 ओरिजिनल एक्ट, उसमें अगर किसी के कागजात नामजदगी लेजिस्लेचर में जो जाना चाहता है एक्सेप्ट हो जाते थे तो उसके खिलाफ अपील हो नहीं सकती थी. देयर वाज नो अपील अगेंस्ट इट. वो रिट ज्यूरिस्डिक्शन में चला जाए तो और बात है कोई, लेकिन उसके बाद वो जो अपील का एक प्रोसेस शुरू कर दिया है. सो वेन वी ट्राई द लेजिस्लेचर, अ मेंबर वॉन्ट्स टू गो कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन, ही हैज टू गो थ्रू द स्क्रूटनी. और उसके बाद, मैं चले बहुत अच्छी बात है अगर मान लें ये स्क्रूटनी होनी चाहिए,